नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन ई स्टैम्प कैसे बनाएं, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको mpigr.gov.in सर्च करना है। दोस्तों, यह दोस्तों मध्य प्रदेश शासन के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप ई स्टैम्प रजिस्ट्री संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, साइन इन का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे फिलअप करना है, पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, तब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, जहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ई स्टैम्प्स का। आपको ई स्टैम्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल। तो अब आपको दोस्तों नॉन जुडिशियल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा नॉन जुडिशियल का, तो फिर उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे डीड कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस हिसाब से स्टाम्प चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि आप 100 रुपये का स्टाम्प कैसे बनाएं, तो आपको एक नीचे में सबसे ऑप्शन मिल जाएगा मिसकेलेनियस का, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लोन रिलेटेड स्टाम्प बनाना है तो इस पर क्लिक करना है दोस्तों। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी स्टाम्प बनाना है तो इमूवल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अन्य जो भी पार्टनरशिप संबंधित, या फिर जो कह सकते हैं दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सभी के रिलेटेड हो तो आपको इन सभी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी हम मिसकेलेनियस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे में आप देख सकते हैं कि डीड टाइप का, तो आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे में स्क्रॉल करते जाएंगे, तब आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी और एक्सट्रैक्ट। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी है आपके सामने शो हो जाएगी 100 रुपये, जो कि आपका 100 रुपये का स्टाम्प क्रिएट कर लिए हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट किस लिए चाहिए, तो अगर आप एफिडेविट चाहते हैं तो आप यहाँ पर एफिडेविट लिख दें दोस्तों। उसके बाद स्टाम्प किस लिए चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे एफिडेविट फिलअप कर दे दोस्तों। अगर अन्य किसी, जैसे कि कभी कभी 100 रुपये में रेंट एग्रीमेंट भी बनवाते हैं लोग, तो आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट फिलअप कर दें इस वाले दोनों बॉक्स में। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टी टाइप वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल का मतलब दोस्तों किसी एक व्यक्ति के नाम पर चाहिए, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें और उसका डिटेल फिलअप करें। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी के नाम से चाहिए, तो कंपनी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कंपनी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो उस फर्म का नाम फिलअप कर लें। तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करें और उसकी बेसिक डिटेल को पूरा फिलअप कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप कर लें। जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, फादर नेम फिलअप कर लें। उसके बाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट का आदमी में निवासी है, उसका फिलअप कर लें। एड्रेस फिलअप करें, पोस्टल कोड फिलअप करें, मोबाइल नंबर फिलअप करें और आईडी प्रूफ को फिलअप कर लें, चाहे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लेने के बाद आईडी नंबर फिलअप कर लें। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन में कितने लोग हैं, अगर एक से अधिक शपथकर्ता या अन्य जो भी व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे उनकी संख्या फिलअप कर लें। अगर एक व्यक्ति है तो एक आप यहाँ पे फिलअप कर दें। उसके बाद दोस्तों पार्टी टाइप जो सेकंड है, आप अगर किसी आदमी के बीच एग्रीमेंट होता है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके सेम उसी तरीके की जानकारी फिलअप कर लें। किसी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में फिलअप करके उसका नाम फिलअप कर लें। अगर किसी बैंक में आपको जमा करना है तो उसका नाम फिलअप कर लें, अगर नहीं तो उस केस में आप नोटरी फिलअप कर दें। तो नोटरी फिलअप कर लेंगे,
उसके बाद दोस्तों सेम उसी तरीके की जानकारी फिलअप करें जिस तरीके आपने फर्स्ट पार्टी वाले का नाम फिलअप करके भरा था। अब यहाँ पे भी आपको उन सभी का जो नंबर है उसको फिलअप कर लें, यहाँ पे 1 फिलअप कर दें, एड्रेस फिलअप कर दें किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, अगर आप नोटरी फिलअप करते हैं तो। अब डीड आईडी, डीड आईडी के लिए दोस्तों आप सबसे पहले ही डीड आईडी क्रिएट कर लें, जो कि आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डीड ड्राफ्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको डीड ड्राफ्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो डीड ड्राफ्टिंग है यहाँ पे क्रिएट डीड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा ई स्टैम्प का, तो आप ई स्टैम्प वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे डीड नेम एफिडेविट फिलअप कर लें, या फिर जो भी जिस पर्पज़ से आपको चाहिए उसको फिलअप कर लें, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का डिटेल फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों फिनिश का, इस फिनिश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिनिश वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तब आपके सामने इस तरीके का डीड आईडी मिल जाएगा, इस डीड आईडी को आप नोट कर लें, इस डीड आईडी की ज़रूरत आपको स्टैम्प वाले ऑप्शन में पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो डीड आईडी मांगा जा रहा है वह डीड आईडी जो आपने पहले क्रिएट किया उसको फिलअप करके यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डेक भी सकते हैं, यहाँ पे कंज्यूम का ऑप्शन मिलेगा, कंज्यूम कर दें दोस्तों। कंज्यूम करते ही एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों प्रीव्यू देखने के लिए, पेमेंट करने के लिए पे लेटर का, तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे कर दें क्लिक, तब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, आप ओके पे क्लिक कर दें। जब आप ओके पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने इस तरीके का पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन चलान या फिर क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट यानी दोस्तों जो लाइसेंस लिए हैं ई स्टैम्प का, तो उनको एक वॉलेट मिलता है, उसमें जो पेमेंट आपने डाल के रखा है उससे पेमेंट करें। चलान यानी दोस्तों आप चलान से पेमेंट करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें, तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से पेमेंट करें। पेमेंट कर लेने के बाद एक प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप 100 रुपये का स्टाम्प या फिर अन्य कितने भी रुपए का स्टाम्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्टाम्प क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।